का बाजार चलाया हो। आज माताओं बहनों के मध्य में मैं कुछ सवाल करने के लिए मजबूर हूं। रंजना जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेतृत्व ने धमतरी के साथ साथ पूरे प्रदेश की बहनों से यह वादा किया था कि छत्तीसगढ़ में शराब बंदी होगी ताकि गरीब परिवार से अपने परिवारों को बचा सके। ये वादा किया था कि नहीं किया था कांग्रेस पार्टी? और माताओं बहनों ने ये विश्वास कर लिया कि कांग्रेस की मुखिया स्वयं एक महिला है और वो अगर अपने नेताओं से कह रही है कि शराब बंदी होगी तो निश्चित रूप से कांग्रेस वचन की पूर्ति करेगी। मैं बहनों से कहने आई हूं, शराब का अभिशाप न सिर्फ अभिशाप बनकर रहा छत्तीसगढ़ में, बल्कि छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के नेताओं ने आपके परिजनों को शराब के नशे में और भी लिप्त